नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूं, वो बात करने जा रही हूं दर्द के बारे में, जोड़ों के दर्द के बारे में। एक उम्र के बाद तो सभी को दर्द आते ही हैं, और हम सब अपने दिमाग में ये मान के भी चल जाते हैं कि एक उम्र, जहां हमने 50 की उम्र पार की, उसके बाद कहीं ना कहीं जोड़ों में दर्द या कहीं और पे दर्द रहने ही लग जाता है। इसके अलावा कम उम्र में भी जैसे ही सर्दी की ऋतु शुरू होती है, वैसे ही यानी कि अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में, कभी किसी को कहीं पर गर्दन में दर्द रहता है, किसी को कभी कमर में दर्द है, कभी कहीं पे शरीर के हाथ पैर के जोड़ों में यानी जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, कभी किसी को पूरे पैर में या हाथ में दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं पेन की शिकायत किसी ना किसी को अक्सर और ख़ास तौर पर सर्दी की ऋतु में ज़रूर हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अपने उन 3 उपायों के बारे में, जिन्हें अगर हम अपनी डेली रूटीन में यानी दिनचर्या में शामिल कर लें तो बहुत हद तक हम जो है वो इस प्रकार के दर्द से या तो छुटकारा पा जाएंगे या फिर इस दर्द की इंटेंसिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। उन 3 उपायों के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो होता क्या है कि जो आयुर्वेद के अनुसार ये जो दर्द होते हैं, ये किसी भी प्रकार का जो दर्द है वो वात की दुष्टि की वजह से होता है, या तो वात के क्षय की वजह से या फिर वात के प्रकोप की वजह से। कभी कभी इस वात दुष्टि के साथ साथ उसमें कफ का अनुबंध भी होता है। तो जब ये वात की दुष्टि हमारे मांस धातु में होती है, तो उसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में दर्द रहने लग जाता है या उनमें खिंचाव आता है, जिसे आप स्पाज्म भी कहते हैं, ऐठन होने लग जाती है, जकड़न की स्थिति मालूम देती है, जगह जगह पे आपको लगेगा कि हाथ पैर में पूरे हाथ पैर में दर्द बना हुआ है। इसी प्रकार से जब ये वात की दुष्टि कि शरीर के हमारे जॉइंट्स में यानी संधियों में हो जाती है, तो क्या होता है कि हमारे हाथ पैर के जो जोड़ होते हैं उनमें हमें दर्द महसूस होता है, उनके खिंचाव आने लग जाता है। उसके साथ साथ जो होते हैं जॉइंट्स के मूवमेंट होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब ख़ास तौर पे नी जॉइंट है या हमारा कंधे का ये शोल्डर जॉइंट हो गया, पैर की एड़ी के दर्द, तो इस तरह के जॉइंट्स में जो मूवमेंट होते हैं इनके रेस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं। खास जैसे कि फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन मूवमेंट हो गया, एबडक्शन है, एबडक्शन मूवमेंट, ये मूवमेंट बहुत हद तक इनके रेस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, और कभी कभी इन जॉइंट्स में हमें स्वेलिंग भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ जब ये वात की दुष्टि जो है हमारे कोष्ठ में हो जाती है, तो हमें पेट का फूलना, गैस बनना, कब्ज की शिकायत होना, इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर ये वात दुष्टि आपकी मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में हो जाए, तो जो है वो यूरिन का रिटेंशन होना यानी कि मूत्र ये यूरिन का रुक जाना, कभी कभी वहाँ पर दर्द होना, पेट फूला हुआ महसूस होना, इस तरह के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों में आपको जो है वात की शांति की चिकित्सा करनी है, वात शांति की चिकित्सा करनी है, जिससे ये लक्षण सभी सबसाइड हो जाएंगे और आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा या फिर इनका प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि आप जो मैं आपको आगे 3 उपाय बताने जा रही हूँ, इन 3 उपायों को शुरू कर लीजिए। अगर अभी आपको केवल ये लक्षण, आपके जो ये लक्षण उत्पन्न हुए हैं, इन्होंने कोई बीमारी का रूप नहीं लिया है, तो सिर्फ इन 3 उपायों से ही आपके ये लक्षण पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपके वो लक्षण किसी बीमारी का रूप ले भी चुके हैं, तो भी आप परेशान ना होएं, ये 3 उपाय को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करिए, और साथ साथ आप अपने जो भी इलाज जो संबंधित डॉक्टर से ले रहे हैं वो करते रहिए, तो आपकी जो दवा का प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपका जो वेदना का प्रभाव है बहुत हद तक कम हो जाएगा, और आपको बहुत जल्दी इस बीमारी से, इन लक्षणों से छुटकारा मिल जाएगा। और तीसरी चीज़, यदि आपको इनमें से कोई लक्षण नहीं भी है, तो भी अगर आप इन 3 उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो भविष्य में इन लक्षणों के उत्पन्न होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाएगी। तो वो 3 उपाय क्या है मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठते ही खाली पेट 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में आप लगभग आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और लगभग आधा चम्मच आपको सौंफ डालनी है। आप ये डालने के बाद इसको उबलने देंगे। जब ये अच्छे से उबल जाएगा, तो उबालने के बाद इसे आप छान लेंगे। छानने के बाद अगर आपको के पास प्योर शहद है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास शहद प्योर है तो ही आप शहद का इस्तेमाल करिएगा, अगर आपके पास शहद प्योर ना है तो शहद का इस्तेमाल ना करिए। आप
जब ये इसको आप उबाल के छान लेंगे तो उस एक कप पानी में, यानी कि 250 ml आपको जो पानी लिया है आपने, उसमें आपको जो है एक चम्मच शहद डाल देना है। अगर आपके पास शहद अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल सकते हैं, छोटा सा एक गुड़ का पीस आप उसमें डाल दीजिए। ये डालकर आपको सुबह सुबह खाली पेट इसे पीना है। ये तो हो गया आपका पहला उपाय, जिसे आप अपनी दिनचर्या में आज से ही शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है, वो क्या करना है कि आपके घर के आसपास हरसिंगार का पौधा बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने अपने पहले वीडियो में हरसिंगार की पहचान के बारे में बहुत पहले भी बताया है, और ये भी कहा है कि हरसिंगार जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए या किसी भी प्रकार के वेदना में बहुत अच्छा काम करता है। और मैं इस वीडियो में इसमें लिंक भी दे रही हूँ कि जो हरसिंगार की पहचान कैसे करते हैं, आपके घर के आसपास ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि लगभग आपको 3 कप जितना पानी लेना है, 3 कप पानी लेकर आप उसमें 3 से 4 हरसिंगार के पत्ते डाल देंगे तोड़ के, और साथ ही साथ थोड़ी सी गिलोय की जो डंडी होती है आप वो डाल दीजिए। गिलोय आपके सबके घर के आसपास बहुत आसानी से मिल भी जाती है, वो डालकर इसको उबालिए। जब ये अच्छे से उबल जाएगा और लगभग 1 कप रह जाएगा तो इसे छान लीजिए। छान कर आपको इसको पीना है। अगर आपसे ना पिया जाए तो आपको वही सेम चीज़ करनी है, या तो आप उसमें शहद डाल दीजिए। आपके पास शहद अवेलेबल ना हो जो, तो आप थोड़ा सा गुड़ का पीस नाम मात्र का सिर्फ उसमें टेस्ट चेंज के लिए डाल सकते हैं। ये जो आपको करना है ये लगभग 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपको एक बार 1 कप गरम गरम पीना है। और सब तीसरा और सबसे आखिरी उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, वो है आपको हरिद्रा शुंठी पाक पीना है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लोग कहते हैं कि हम हल्दी का दूध पी रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हल्दी का दूध उतना कारगर नहीं होता जितना कि जो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ हरिद्रा शुंठी पाक। इसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए और किसी भी प्रकार के दर्द से लॉन्ग टाइम के लिए छुटकारा पा जाइए। उसमें करना क्या है, आपको 1 कप दूध लेना है, 1 कप पानी, इसमें आपको आधा चम्मच हल्दी डालनी है। अगर आपके पास हल्दी का पाउडर है तो हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। और इस समय सर्दी की ऋतु में कच्ची हल्दी बहुत आसानी से मिल जाती है, अगर आपको मिल जा रही है तो आप थोड़ा सा उसे घिस के या क्रश करके ग्राइंड करके वो डाल दीजिए। आप वो डालेंगे, साथ ही साथ जो आपको डालना है वो है आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर। ये आप घर में ही बना लीजिए, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप उसको जो पूरा साबुत होता है ड्राई पीस, वो लेकर आप उसे कूट कर वो डाल दीजिए। साथ साथ अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, तो आप नॉन डायबिटिक हैं तो उस कंडीशन में आप उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए, मिश्री के क्रिस्टल्स जो आते हैं 5-6 पीस वो डाल दीजिए। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप मिश्री का इस्तेमाल ना करें। ये करने के बाद आप उसे पकने रख देंगे। जब वो पक कर 1 कप रह जाएगा, यानी कि आपका जो पानी डाला था आपने वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, सिर्फ दूध रह जाएगा, उसे आप छान लेंगे। छानने के बाद आप उसमें जो है वो, अगर आप डायबिटिक हैं और आपने मिश्री का इस्तेमाल नहीं किया था, तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ का एक पीस डाल दीजिए। गुड़ आपके शुगर नहीं बढ़ाता है, वो आप डाल के उसे रात में सोते समय पीना है। तो मैंने यहाँ आपको बताए हैं 3 उपाय। पहला उपाय है आपको पीना है सुबह खाली पेट अजवाइन और सौंफ का पानी, सुबह उठते ही खाली पेट आपको करना है। फिर आपको लेना है 10 से 11 बजे के आसपास लगभग ये हर सिंगार और गिलोय का काढ़ा। अगर आप वर्किंग हैं और 10 से 11 बजे के बीच में आप नहीं पी सकते, तो ये आप इसे शाम को जो आपकी चाय पीने का टाइम होता है, तो आप समझ लीजिए आप अपनी चाय बंद कर दीजिए। और मैंने आपको यहाँ पे हर्बल टी बताई है, आप इसका इस्तेमाल शुरू कर लीजिए। क्योंकि गिलोय और हरसिंगार बहुत कड़वी होती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टेस्ट चेंज के लिए इसमें आप थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, उससे आपका टेस्ट इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई हर्बल टी, जो कि आप सुबह में लेंगे 10-11 बजे, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे शाम की चाय में शामिल कर सकते हैं चाय की जगह। और तीसरा और आखिरी उपाय है हमारा हरिद्रा शुंठी पाक, जिसे आपको रात में सोते समय लेना है। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी कि इन 3 उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और हर प्रकार के दर्द से लंबे समय के लिए छुटकारा पाइए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमें कभी यहाँ दर्द हो रहा है एक उम्र के बाद, कभी वहाँ दर्द हो रहा है। तो इन 3 उपायों को कीजिए और मुझे बताइए कि आपका क्या रिस्पॉन्ड रहा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए समय पर मेरी क्लिनिक के पते पर आकर मुझे परामर्श ले लीजिए। धन्यवाद।